केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एक जरूरी सूचना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार एक निश्चित श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय में समस्त कार्य दिवसों पर मौजूद रहना होगा, जबकि अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर प्रतिशत कम कर दिया गया है। वाराणसी से खबर आई है, शादी का झांसा देकर एक शिक्षक ने सहकर्मी शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की तहरीर पर पिता और पुत्र के खिलाफ वाराणसी के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज की एक और बड़ी खबर सामने आई है, दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा सफूरा जर्दर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अमेरिका सरकार ने सोमवार को भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय उड़ानों को रोक दिया है। उसने भारत अमेरिका के बीच विमानन समझौते की आड़ में अनुचित और भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप भारत पर लगाया है। दक्षिणी दिल्ली के छात्रपुर इलाके से राधा स्वामी सत्संग व्यास के एक विशाल परिसर में कुल 300 एकड़ में फैले परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट में फैला एक शेड है, जिसमें कोरोना संक्रमितों के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना भी उनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दे रही, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने सोमवार को 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वहीं बीते 3 दिनों में पाकिस्तान के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार एस्प्रेसो सीएनजी लॉन्च कर दी है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो सीएनजी को ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था, तभी इस कार का इंतजार हो रहा था। इसकी शुरुआती कीमत 4.4 लाख रुपए है। मारुति ने अपनी इस नई सीएनजी कार को 4 वेरिएंट LXi, LXi Zero, VXi और VXi Zero में बाजार में उतारा है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन अभी केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूल में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरे करने हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना होगा। फिल्मी अभिनेता जैकी चैन की गिनती दुनिया के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। वह काफी लंबे समय से इस अभिनय के क्षेत्र में मौजूद है। अब ये अभिनेता एक नई खबर सामने लाए हैं। जैकी चैन ने खुद अपनी 24 अरब रुपए की संपत्ति दान करने का ऐलान इंटरनेट और मीडिया के द्वारा किया है। चीनी वायरस कोरोना से दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में मचे कोहराम के बीच अच्छी खबर आई है। आज योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि संस्थान ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की। दवा का नाम